चिनार, तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ है, सब सही है ना? नहीं कुछ नहीं। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है लाले से? पानी उबल रहा है। सिर्फ आज रात नहीं बल्कि तुम देखना वो पूरा साल अंदर रहेगी। क्या खबर है, किसके बारे में बताओ मुझे? हम इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकते। मैं क्लब में हूँ, तुम आ जाओ। और हाँ, इससे तुम्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। लाले, लाले हमारी बात नहीं हुई। मुझे कुछ भी नहीं कहना है चिनार, असल में बात कुछ बिगड़ गई थी और मैं अपने खानदान के बारे में संजीदा हूँ। और जब तुम किसी की तरफदारी नहीं करते तो मुझे और गुस्सा आता है। ऐसी बात नहीं है, गलत मत सोचो। अब बस करो चिनार, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सोने जा रही हूँ। शब खैर। क्या वो बहुत ज्यादा नाराज है तुमसे? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो बाहर चलते हैं। आओ यास्मीन, यहां बैठो। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहते हो तुम यास्मीन? अभी तक जो भी हुआ मुझे पता है, हम एक दूसरे से दूर चले गए। छोड़ो, भूल जाओ सब कुछ, हम एक हैं हमेशा के लिए यास्मीन। और अब हमारे बीच कोई भी बेकार किस्म के मसले नहीं होने चाहिए। मैं थक गया हूं इन सब से। मैं सब भुला चुकी हूं। अच्छी बात है। बेहतर है हम फैमिली का सोचें। ठीक है। और परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। समझ गई मैं। यास्मीन, आजकल लाले बहुत परेशान चल रही है, पता नहीं क्या हुआ। और वो मेरे साथ इस बारे में कोई बात भी नहीं करती, बहुत अजीब रवैया हो गया उसका। मुझे अंदाजा है इस बात का, पर वो मुझे भी कोई बात नहीं बताती अब। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हें मालूम हो कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं पता कर सकती हूँ। तुम करोगी? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। थैंक यू। तो हमारी डील पक्की? भरोसा है तुम पर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आपने सही कहा था, ये भरोसा है तुम पर। कोर्ट में क्यों नहीं गई? क्या जमानत मैडम कोर्ट गई हैं? मालूम नहीं, मैं अदालत नहीं गई थी, लाले से भी मेरी बात नहीं हुई। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पूछ लेती हूँ। इतरा क्यों रही हो तुम? वो तो ठीक है, मगर तुम क्यों नहीं गई?
नहीं मेरी जान, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। वैसे तुम आई क्यों थी? मेरी अम्मी का तो पूछने नहीं आई थी। मैं तुम्हें पूछने आई थी, फिलहाल तुम बिजनेस में नहीं आई हो, सब कैसा जा रहा है? वेरी बैड। ओह, तो फिर छोड़ दिया क्या? यू नो व्हाट, दरअसल कुछ लोग यहाँ मेरी तरक्की में रुकावट बने हुए। अभी तक मैंने ड्राइंग पेन भी नहीं उठाया है कि लोग मुझे पीछे धक्का देने के लिए सामने खड़े हुए। देखो, तुम्हारी ये बात तो सच है, हमारा सबका यही ख्याल है। मेरे ख्याल में तुम्हारे अंदर सलाहियत तो है। आप सच कह रही हैं? चिनार ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। सब मर्दों की ज़हनियत ऐसी ही होती है, उसे क्या मसला है, यही कि औरतें नहीं कर सकती? अप्रेंटिसशिप करके देख लें बस। मुझे लगता है तुम्हें किसी आला मकाम पर होना चाहिए। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, थैंक यू सो मच। और नहीं तो क्या, चलो अपनी ड्राइंग्स उठाओ जल्दी। ओके, अच्छा हो जाएगा ये। मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जरूर कहो। तुम ये क्यों कर रही हो? तुम कहो तो नहीं करती, यहाँ इसी तरह बैठी रहो, तुम्हारी मर्जी। मैं इंतजार कर रही हूँ। ये रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, कल तक तैयार कर लो ताकि लोगों को जवाब दिया जा सके। जी, मैं भी काम शुरू करती हूँ। तुम अभी तक ड्राइंग में सर खपा रही हो? ओह हो, ये तुमसे नहीं हो सकेगा। डोंट वरी, मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे रेहान खानम ने कहा है कि कोई अच्छी सी ड्राइंग लेकर आओ, वैसे भी वो यहाँ पर आपसे बड़ी पोजीशन होल्ड करती हैं, वरना आपको पता है मैं आपके अगेंस्ट थोड़ी जाती। ओह अच्छा, पूछ लेते हैं। उन्होंने तुम्हें सिर्फ सैंपल ड्राइंग बनाने के लिए कहा और तुम क्रिएटिविटी में लग गई हो, तुम सोच रही हो कि तुम सेलेक्ट हो जाओगी। हाँ, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया है, वैसे भी ये सब तो चांस पर ही होता है मेरा ख्याल है। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। इनसे होगा क्या? देखिए फ्रेंड्स, यास्मीन ने ड्राइंग बनाई है, पिछले साल के मुकाबले में सेलेक्ट होने वाली ड्राइंग से कितनी मिलती जुलती है, ये है ना, तकरीबन सेम है। तुम इंडस्ट्री के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती हो डियर, तुम्हें उसकी अलिफ बे तक नहीं आती, वैसे भी तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। और सुनो, तुम हमेशा की तरह आज भी मेरे डिजाइन कॉपी कर रही हो। हेलो अली, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आप एक अच्छे फ्रेंड की तरह मुझे वो डिजाइन दिखा सकते हैं, मसलन जैसे रीसेंट क्रिएशन A1 मैम ने बनाई है ना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, प्लीज दिखा दें। आई एम सॉरी मिस जास्मीन, मिस अजगी उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजल्ट आने तक सीक्रेट रखना चाहती हैं। आई एम सॉरी। ओ कम ऑन, तुम तो वैसे भी मैम के राइट हैंड हो ना, एंड आई थिंक तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने कहा ना आपसे मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ मेरा नाम अली नहीं हक है। ओफो, वैसे अली ज्यादा अच्छा नाम है तुम्हारे नाम हक से। यस सर। यास्मीन कैसी हैं आप? मैं स्कैंडल न्यूज़पेपर मैगजीन सेक्शन से हूँ, मिधत। बोलिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप जल्दी करें, मुझे भी जल्दी है। हमारे न्यूज़पेपर को एक सीडी रिसीव हुई है मिस यास्मीन। कैसी सीडी? इसमें आपकी और मिसेस चिनार की इमेजेस हैं जो मीडिया में नशर हो सकती हैं और अखबारात में शाया हो सकती हैं। मेरी बात सुनी आपने? क्या, एक मिनट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारे लिए तस्वीर बहुत वैल्यूबल हैं,
आज रात इसके प्रिंट्स मैगजीन में छपने के लिए भिजवा दिए जाएंगे। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको फौरन वो सीडी भिजवानी होगी, किसी भी सूरत में मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मगर इट इज नॉट पॉसिबल। हमने तस्वीर की भारी रकम अदा की है, मगर मैं भी कुछ आला अफसरान के सामने जवाबदेह हूँ। ओह माय गॉड, करना क्या होगा? हर चीज का कोई ना कोई सलूशन होता है, राइट? आप ऐसा कह सकती हैं कि यानी आपकी साख को पहुंचाने वाले नुकसान से आपको बचाने के और मुझे क्या फायदा मिलेगा? तब मैं आपको खुशी खुशी सीडी भिजवा दूंगा। ओके, क्या आपसे इसी नंबर पे कांटेक्ट करूं? जी हाँ, इसी नंबर पर। यास्मीन खानम, मिस्टर चनार को सलाम कहिएगा। अल्लाह कहर नाजिल करे। जैसा आप चाहते थे वैसी ही प्रोसीजिंग शुरू हो गई है मिस्टर चनार। गुड, उन सब की इंश्योरेंस करवा लें और कंस्ट्रक्शन पूरी होने तक उधर कोई नहीं जाएगा। वैसे भी मेहमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी एक्सपर्ट को ढूंढ के लाना था, और कुछ? नो सर। ठीक है, चिनार। हाँ बोलो। फ्री हो? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आज सुबह हम कोर्ट गए हुए थे। ओ ऐसा है, क्या हुआ? लाले ने नहीं बताया। आओ बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी अम्मी पर मुकदमा चलेगा। क्या? तो वो लंबा अरसा जेल में रहेंगी? हाँ अफसोस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मुकदमा दायर होने तक मैंने इसे पोस्टपोन कराने के लिए वकील से बात की है, उम्मीद है उन्हें सजा होने से पहले ही रिहा करवा लेंगे। बस इसी की कमी रह गई थी। क्या कुछ और भी हुआ है, या फिर लाले के बारे में कुछ सुना? लाले को बिल्कुल मालूम ना हो, मैंने एक बात सुनी है चिनार। बताओ जरा कैसे लगी उसके हाथ ये सीडी? ये तुम्हारा काम है? डोंट बी सिली चिनार, भला तुम इस बात को लेके मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? मुझे भी अभी पता चला जब उस आदमी ने कॉल की। मैं ऐसा क्यों करूंगी चिनार? तुम इस बात पर मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? उस रात वो एक नाजुक लम्हा था, ये तुम जानते हो। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है, दोस्त की नजर से देखा है। तुम हर बात के लिए, हर चीज के लिए हमेशा मुझे ही जिम्मेदार समझते हो। कभी तो मुझ पे ट्रस्ट करो चिनार। हाँ प्लीज चिनार। तुम ठीक कह रही हो, आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं परेशान हूं। आई डोंट नो, मगर लाले को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो समझेगी कि कुछ ना कुछ जरूर है। चलो हम उसको बाद में बता देंगे कभी, ठीक है ना? नहीं बताएंगे कभी भी, ऐसे आप दोनों के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। और मैं अपनी बहन और उसके हस्बैंड के दरमियान आने वाली बहन कभी भी नहीं कहलवाना चाहूंगी चिनार। तुम फिक्र मत करो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताकर अच्छा किया, अब देखो वो क्या चाहते हैं। चिनार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं मर्द हूँ, मैं उनसे मैन टू मैन बात करूंगा। सर देखूं तो उन्होंने सीडी कहाँ से हासिल की। चिनार ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो कि सीडी कैसे हासिल करें, और ये कि उस शख्स ने मुझे कैसे ढूंढा। चलो ठीक है, आओ। फोन से तुम्हें काफी दिलचस्पी है। उफ यार, मैं तो लोगों से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ।
मगर इस बार कुछ डिफरेंट है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को एसएमएस कर रही हूँ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, हम अभी मिले हैं, मगर मुझे महसूस हो रहा है कोई खूबसूरत बात होने वाली थी और ये सब हो गया, तो मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्दी से सॉल्व हो जाए। तुम्हें प्यार हो गया? हाँ, मेरी आंखों में उसके अलावा कोई नहीं बसा है, वो मेरे दिमाग से एक लम्हे के लिए भी नहीं निकलता, जैसे मेरी दुनिया में सिर्फ एक वो ही हो। यकीन करो, मुझे किसी की परवाह नहीं अब। जानता हूँ, ऐसा ही होता है। सच्चा प्यार हो तो इंसान को शादी के बाद भी मोहब्बत रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती। यकीन करो, तुम खुश रहोगी। बेशक। इतनी देर लगा दी। सीडी उसके हाथ कैसी लगी मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये वाकया घर के गार्डन में पेश आया, ये किसी घरवाले का काम है, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। लगता है आ गया। मिस यास्मीन, मिस्टर चिनार, कैसे हैं आप? सीडी कहाँ है? मेरे पास। आप फिकर मत करें, पहले कुछ पिया जाए, मुझे बहुत प्यास लगी है। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स, पहले सौदा तय कर लिया जाए, शायद हम एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाएं, फिर सीडी की बारी भी आ जाएगी। एनीवेज, पैसे देकर किस तरह उसने अपना पैंथरा बदला? बहुत खूब चिनार, मुबारक हो। चिनार, सीडी अब हमारे पास है, खतरा टल चुका है, अब तुम मुतमईन हो जाओ। हाँ, सही कह रही हो, चलो तुम्हें कंपनी छोड़ दूं। अगर बॉस इजाजत दें तो एक बात कहूं? हाँ ना, बिल्कुल इजाजत है। मैं सोच रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिल लूं, अगर आपकी तरफ से परमिशन हो तो। बिल्कुल मिलो, और हमें भी मिलवाओ। तुम्हें किसके हवाले कर रहे हैं, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच चिनार। यास्मीन, ये सीडी मुझे दे दो। पता नहीं सीडी में क्या स्टूपिड चीजें डाली हुई हैं इन्होंने चिनार। मैं उसे वहां कचरे में डाल देती हूँ ताकि खराब हो जाए और किसी के भी हाथ ना लगे कभी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, सी यू लेटर। Damn it. लगता है मैं आफ्टरनून मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा, खुर्शीद साहब से माजरत कर लेना। अच्छा बात सुनो, मुझे न्यूज़पेपर स्कैंडल वालों का एड्रेस चाहिए। हेलो लुत्फ जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चले मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। बाय।